नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार, हरियाली का ओढ़े आंचल सरसों के छींट पीले पीले, नहरें देख लगे कुछ ऐसे गले में जो हार हो तेरे, पानी यूं झिलमिल करता एक सेतु में मोती गुथे हों जैसे, चांदी की रेखा सी मुस्काती पगडंडियां जगह जगह बिखरी, लताएं झूम रही कुछ ऐसे जैसे लट चूम रही हो तुझे झूम झूम, गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे नत पहनी हो कुंवारी कन्या सी, सोन बालियां गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर, ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति नील गगन का आंचल, पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान, कभी हरियाली कभी नील गगन कभी आंचल में टांक सितारे, चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध छम 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 की ध्वनि सुनाती तू नाच रही है झूम झूम, ज्यो मदहोश यौवन मदिरा पीकर तुम, पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया, सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम, लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान, उदास न हो तू ओ प्रकृति नील गगन का ओढ़ ले आंचल, उदास न हो तू ओ प्रकृति नील गगन का ओढ़ ले आंचल, फिर से वसंत आएगा फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा, फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल दुख तो सब पर आता है, सूरज अस्त होता है रोज दीपक हम जलाते हैं पर फिर आना ही पड़ता है सूरज को दुनिया में जीवन देने, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की,
अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर दबंग तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी के पसंद के हों। और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे हैं क्योंकि आपके ही प्रिय सेलिब्रिटी तो चुनकर लाए हैं आपके लिए बॉलीवुड के सागर से मोती रूपी गीत, और साथ ही करते हैं उनसे अंतरंग बातचीत। और अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को मिलना चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको सृजन, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज मैं जिस सेलिब्रिटी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, आप हैं क्या मैं कहूँ उनके बारे में, सिर्फ मैं नाम लेती हूँ और आज हम सुनेंगे उनके बारे में, उनसे बात करेंगे, किशोर कुमार कौशल जी। कौशल साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कौशल साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको गांव बहुत पसंद है, मैंने ऐसा सुना है जी, तो मैं गुजारिश करूँगी इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या बात है? गांव इसलिए पसंद है कि गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं दिल्ली पढ़ते हुए भी गांव से ही आता जाता रहा और अब मुझे सर्विस करते हुए देश के कई शहरों में गया हूँ और अभी दिल्ली में रहता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन फिर भी लौट के शाम को अपने गांव में पहुंचता हूं। वहां की मिट्टी, वहां का एक प्राकृतिक वातावरण और लोगों के दिलों में जो आज भी प्यार मोहब्बत है, वो जज्बा जो बचा हुआ है, उसके कारण मैं हर रोज वहीं खिंचा चला जाता हूं, इसलिए मुझे गांव पसंद है। मैं गुजारिश करूंगी आपकी एक बहुत मशहूर रचना है गांव और शहर का अंतर जी, गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को। गांव और शहर का अंतर। गांव के एक छोटे बच्चे ने अपने बाबा से पूछा कि बाबा, गांव और शहर में क्या अंतर है? बाबा बोले, बेटा तुम्हारा प्रश्न है बड़ा टेढ़ा, फिर भी बताता हूँ। जहाँ बड़े सवेरे चिड़िया चहचहाती हैं, जहाँ गाय भैंसे तालाब में नहाती हैं, जहाँ सावन लगते ही झूले पड़ जाते हैं, बालाओं के गीत मन में गड़ जाते हैं, जहाँ अब भी सुबह शाम होती है राम राम, जहाँ लोग कष्टों में अभाव में जीते हैं, रूखी सूखी प्रेम से खा मस्त हो जीते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं नंगे बदन नंगे पाँव, जहाँ राहगीरों के लिए, जहाँ पथिकों के लिए पीपल की छांव है, मेरे बच्चे वह गांव है, मेरे बच्चे वह गांव है। और जहाँ सूरज निकलने से पहले वाहनों की चीख पुकार, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, राशन की लंबी कतार, जहाँ कदम कदम पर होती दुर्घटना है, वह क्या दिल्ली, क्या बम्बई, क्या पटना है, जहाँ आदमी को मरता देख लोग मुंह फेर लेते हैं, पड़ोसी भूखा हो तो अपना पर्दा घेर लेते हैं, जहाँ आग है, बिजली है, धुआं है, गम है, जहाँ भागम भाग बेचैनी अधिक, फुर्सत कम है, जहाँ मिनट है, घंटा है, घड़ी है, पहर है, मेरे बच्चे वहाँ शहर है, मेरे बच्चे वहाँ शहर है, यहाँ कुआं है, वहाँ धुआं है, यहाँ मोर है, वहाँ शोर है, यहाँ राग है, वहाँ आग है, यहाँ काम है, वहाँ नाम है, गांव गांव होता है, गांव ठाम होता है, गांव छाम होता है, शहर शहर होता है, शहर कहर होता है, शहर जहर होता है, गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। क्या बात है, क्या बात है। और कौशल साहब, जो अभी आप कह रहे थे ना कि आप कहीं भी सारे दिन रहते हैं लेकिन गांव आपको बुला लेता है और आप गांव को चले जाते हैं, तो मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, ये वादियां ये फिजाएं।
ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहाँ न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है दोस्तों आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों आज मैं जिस गीतकार से आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आई हूँ सृजन के अंतर्गत, आप हैं किशोर कुमार कौशल जी। कौशल साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद कौशल साहब। आपकी प्रकाशित कृतियाँ बहुत सारी हैं जैसे कि हरियाणवी ब्रज के मेघ मल्हार उर्दू से हिंदी में अनुवादित हुई है आपकी पुस्तक, मिट्टी की पुकार आपका एक काव्य संग्रह है बहुत खूबसूरत, धुनक धुन बाल गीत संग्रह है जी, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए अपनी प्रकाशित कृतियों के बारे में। देखिए हमारे यहाँ मैं जिस गांव से आता हूँ वो फरीदाबाद का एक बड़ा पुराना गांव है जी, जी। फतेहपुर बलोच, और वहाँ एक बड़े शायर हुए उर्दू के डॉक्टर जावेद वशिष्ठ, तो वो बहुत बड़े शायर थे, दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर थे उर्दू के जी, जी। तो मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ जी। तो उन्होंने लोकगीतों पर काम किया था देवेंद्र सत्यार्थी की प्रेरणा से जी, जी। तो उन्होंने हरियाणा के पलवल वल्लभगढ़ की कुछ गांवों में जा करके कुछ हमारे सावन के जो गीत हैं वो जो झूले पर आपको ध्यान होगा बचपन में आप भी कभी झूली होंगी जी, जी, और वो लोकगीत उन्होंने इकट्ठे किए बहुत सारे, उन पर एक पुस्तक उन्होंने तैयार की हरियाणवी ब्रज के मेघ मल्हार जी, जी। तो उस एक दिन उनसे चर्चा करते करते ये बात चली तो वो सहमत हुए कि ये गीत हर आदमी पढ़ सके इसलिए हिंदी में होने चाहिए, तो उनके साथ बैठ करके फिर वो बातचीत के सिलसिले में वो बात शुरू हुई और हमने उनकी पूरी पुस्तक का धीरे धीरे करके उसका अनुवाद वो बोलते गए मैं लिखता गया, जहाँ जहाँ कोई समस्या आती
आती थी हम चर्चा कर लेते थे, और चूंकि लोकगीतों पर काम था तो ऐसी भाषा की कोई कठिनाई आई नहीं, और वो पुस्तक इस तरह तैयार हुई और अब वो कई वर्षों से उपलब्ध है हिंदी के पाठकों के लिए, और बड़ा स्वागत हुआ है हिंदी जगत में उसका। और एक मेरा अपना काव्य संग्रह है मिट्टी की पुकार, बहुत खूबसूरत कृति है। जी जी, और एक मैं बच्चों के लिए भी लिखता हूँ, तो धुनक धुन करके एक मेरा संग्रह आया है। जी जी, और अब मैं संस्मरणों पर एक मेरी पुस्तक जो है वो प्रकाशित होने वाली है, तो बड़े साहित्यकार जैसे शिव मंगल सिंह सुमन जी से। देखिए दोस्तों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस रचनाकार की आने वाली पुस्तक है उसके बारे में आज हम चर्चा कर पा रहे हैं। जी, तो उसमें विष्णु प्रभाकर जी से मैं मिला, और शिव मंगल सिंह सुमन जी से मिला, त्रिलोचन जी से मिला, विश्वनाथ त्रिपाठी जी से मिला, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जो दिल्ली और आसपास के शहरों में, जिनसे भेंट करना, उनके दर्शन करना मेरे लिए संभव हो सका, तो मैं उनके पास गया, उनसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। जी जी। उनको दरस परस का मुझे सुख प्राप्त हुआ, तो वो उस पर आधारित एक पुस्तक मेरी प्रकाशनाधीन है। और साथ ही दूसरी एक मैं काम कर रहा हूँ फिल्मी गीतकारों पर, कि उसमें मैं देखता हूँ कि गीतकार एक ऐसा पक्ष है फिल्मों का, और कहानीकार कि ये लोग जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं उनको लोग उनके नाम भर जान पाते हैं, उनके ज़िंदगी की कश्मकश, जो संघर्ष उन्होंने किया है, और उनके कारण जो है हम इतने सुंदर सुंदर जो हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं उनको, उनके प्रेम प्रसंग देखते हैं, उनका मिलना बिछुड़ना देखते हैं, तो वो जो संवाद पिरोते हैं अपनी बातचीत में, और जिन गीतों के कारण एक नायक नायिका को, रूठी हुई नायिका को मनाता है, तो वो उनको, उनके होठों को जो बोल देते हैं वो हमारे प्रिय गीतकार, उन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो कई गीतकारों पर मैंने काम किया है, साहिल लुधियानवी पर अभी मेरा आलेख पूरा हुआ है, और शकील बदायूं साहब पर मैंने लिखा है, और इसके साथ मैं नौशाद जी पर भी मैं काम कर चुका हूँ। और मेरा यही विचार है कि भाई गीतकारों पर कुछ काम, अगले मेरे अगले पड़ाव पर भरत व्यास जी हैं, क्या बात, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों की दुआएं रहेंगी। कौशल साहब, गुजारिश करूंगी अपना एक गीत हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी, माधुरी जी, जैसा कि आप जानती हैं एक बड़े प्रसिद्ध गीतकार हुए हैं हिंदी के, गोपाल सिंह नेपाली जी, और नेपाली जी का ये जन्म शती वर्ष है, तो उनका एक गीत मैंने पढ़ा था कहीं पाठ्यक्रम में, कि मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली, क्या बात। तो हर व्यक्ति रचनाकार अपने से किसी बड़े से प्रभावित होता है, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा, तो उसी भावभूमि पर एक गीत मैं आपको मिलता जुलता सा, आपको उसके अपने भारत की भूमि के उसमें रंग दिखाई देंगे, मैं आपको के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस देश की बात निराली, उस देश की बात निराली, जन जन के मुखड़ों पर चमके जिसकी गौरव लाली, उस देश की बात निराली, क्या बात। नित्य सवेरे पूरब के माथे पर खिलती रोली, नित्य सवेरे पूरब के माथे पर खिलती रोली, तोता मैना गौरैया मिल बोले मीठी बोली, क्या बात है। गाती कोयल काली, उस देश की बात निराली, वाव, क्या उस देश की बात निराली। इठलाते धन धान्य उगाते खेत और खलिहान, इठलाते धन धान्य उगाते खेत और खलिहान, मेहनत से गढ़ते हैं जिसको नित मजदूर किसान, क्या बात है। मेहनत से गढ़ते हैं जिसको नित मजदूर किसान, मन में है खुशहाली, उस देश की बात निराली, क्या उस देश की बात निराली। आशा और उल्लास भरे आते कितने त्योहार, क्या बात। आशा और उल्लास भरे आते कितने त्योहार, मस्ती भर जाती जीवन में रीतों की झंकार, छह ऋतुएं मतवाली, उस देश की बात निराली, उस देश की बात निराली। कि ज्ञान और विज्ञान खेल में बढ़ा रहा निज पांव, कहीं भी पीछे नहीं है हम, मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान और विज्ञान खेल में बढ़ा रहा निज पांव, शहरों के संग आगे बढ़ते छोटे छोटे गांव, घर घर है दिवाली, उस देश की बात निराली। जन जन के मुखड़ों पर चमके जिसकी गौरव लाली, उस देश की बात निराली, उस देश की बात निराली। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जिस सेलिब्रिटी को आज मैं आपके मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, आप हैं किशोर कुमार कौशल जी। कौशल साहब, स्टूडियो में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया कौशल साहब। आपने डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन तथा अनेक गणमान्य कवियों के साथ काव्य पाठ किया है। आपने ब्रज माधुरी में आकाशवाणी तथा प्रसार भारती से भी अनेक बार काव्य पाठ आपने किया है जी, जी। और इसके बारे में थोड़ा बताएं। और साथ में मैं अभी आपने थोड़ा बताया भी था कि उनसे आप नेपाली जी से आप प्रभावित रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आई है कि आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत है, कब क्यों कैसे हुई, वो क्या क्षण था, क्या प्रेरणा स्रोत था आपका, क्या उम्र रही होगी आप किसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे जी।
देखिए माधुरी जी, ऐसा है, मैं बीए में पढ़ता था दिल्ली में। अच्छा। ये सन 79-80 की बात है। तो वहाँ जाकर के मैंने देखा कि एक छात्र जो मुझसे एक कक्षा बाद में पढ़ता था, उसने पहले पीछे जी तो मुझसे जूनियर था, उसने महर्षि अरविंद के नाम से, हमारा कॉलेज है श्री अरविंद कॉलेज मालवीय नगर नई दिल्ली में, तो उसने एक कविता सुनाई एक समारोह में। 15 अगस्त को महर्षि अरविंद का भी जन्मदिन होता है, तो उस दिन वहाँ ये उत्सव मनाया जाता था, उनका जन्मोत्सव। तो सुशील वर्मा नाम था हमारे साथी का, तो उसने कविता सुनाई अरविंद लालिमा कहाँ गई, अरविंद लालिमा कहाँ गई। तो मुझे लगा कि भाई ये मुझसे जूनियर है, फिर भी इसने कविता सुना दी, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। एक तरह से मैंने उसको बात को थोड़ा सा इस रूप में लिया, चुनौती के तौर पर। और मैं जैसे ही घर पहुंचा, गांव में पहुंचा, रात को मैं कागज़ कलम लेके बैठ गया और एक दो रचनाएं उस रात में लिख पाया। और अगले दिन आपको याद है वो रचना? थोड़ा सा तो मुझे ध्यान है, ज़्यादा ध्यान नहीं है। हाँ, वो एक वसंत वर्णन थी, एक कविता एक मजदूर पर थी कि कैसा निष्ठुर है यह उष्ण समीरों का घर्षण। उस समय जब प्रसाद को पढ़ते थे, निराला को पढ़ते थे। अच्छा। तो शैली भी वही छायावाद वाली जी, कितना जी। कैसा निष्ठुर है यह उष्ण समीरों का घर्षण, जेठ की चिलचिलाती धूप और भयंकर तूफान, फिर भी अचल संवेह निरंतर कुदाल चलाता है और मस्ती में गुनगुनाता है। आपको तो याद है। इस तरह से कुछ पंक्तियाँ मुझे याद है। दूसरी क्या थी? दूसरी वसंत वर्णन थी कि कैसा मनोरम है यह वसंत का उत्सव, धरती तरह तरह के फूलों से खिली हुई है, रंगी हुई है, कुछ इस तरह की पंक्तियाँ उसमें थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उतना मुझे ध्यान नहीं है। और इतने बड़े बड़े रचनाकारों के साथ आपने मंच पर सहभागिता की रही, उसके बारे में? जी, ये बात है कि मेरे हर व्यक्ति के कोई ना कोई प्रिय रचनाकार होते हैं, तो मुझे शिव मंगल सिंह सुमन शुरू से ही प्रिय लगते रहे। और उनकी मैंने एक कविता जो बहुत मुझे बहुत पसंद रही उन दिनों, वो थी कि परिचय, उनका कविता है कि चलना हमारा काम है, उससे कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मतलब जो जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। क्या बात है, क्या बात। तो चलना हमारा काम है, ऐसी बहुत सारी कविताएं उनकी रही। मूड की कोई रचना अगर हमारे दोस्त? हाँ, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक रचना है मेरी, मैंने कहा। जी, स्वागत जी। यह है कि मैंने कलियों से कहा तनिक बचपन उधार दे दो, मैंने कलियों से कहा तनिक बचपन उधार दे दो, मैं लौटा दूंगा सांझ तलक। क्या बात। मैं लौटा दूंगा सांझ तलक, कलियां मुस्काई शर्माई फिर यों बोली, बरसों पहले तुमसा ही आया था लेने हंसता बचपन, वह तो ना लौटा आज तलक, तुम आ जाओगे सांझ तलक। वह तो ना लौटा आज तलक, तुम आ जाओगे सांझ तलक, मैं बोला तुम विश्वास करो, वे बोली जिसको खुद पर ही विश्वास नहीं कैसे विश्वास करें उसका। क्या बात। वे बोली जिसको खुद पर ही विश्वास नहीं कैसे विश्वास करें उसका, मैंने फूलों से कहा तो फिर मैंने फूलों से कहा तनिक यौवन उधार दे दो, तनिक यौवन उधार दे दो, वे फूले फूले इठलाए फिर इतराए, यों बोले फिर यौवन तुमको दे दें, तुम भी कुछ देने आए हो, कुछ भेंट सुहानी लाए हो, कुछ मौन रहा फिर मैं बोला, मैं जन्म जन्म का प्यासा हूँ, जीवन में लिए निराशा हूँ, तो मुस्काते सुमनों ने टोका कि जब भी तुमने पूजा की या पर्व मनाया या किया किसी का अभिनंदन, हमको तोड़ा मसला कुचला, क्या सुना हमारा भी क्रंदन, क्या बात, क्या सुना हमारा भी क्रंदन, कैसे उजड़ा उपवन जीवन कि जो नस नस में स्वार्थ संजोए, सबके पथ में कांटे बोए। क्या बात है। जो नस नस में स्वार्थ संजोए, सबके पथ में कांटे बोए, उसको जीवन में नहीं कभी कुछ मिलता है। मैं मुंह लटकाए भारी कदमों से चला, पुकारा मुझे किसी ने, मुड़कर देखा बरगद दादा अति विनम्र स्वर में यूं बोले, आओ मैं देता हूँ अनुभव भरा बुढ़ापा, आओ मैं देता हूँ अनुभव भरा बुढ़ापा, मैं फिर कांपा, नाना बाबा मुझे चाहिए नहीं बुढ़ापा, मुझे चाहिए नहीं बुढ़ापा, बरगद ने समझाया पगले, मेरा बूढ़ा होना मुझ पर भार नहीं, मेरा बूढ़ा होना मुझ पर भार नहीं, पर इतना जानो बचपन यौवन या कुछ भी ठीक नहीं लेना उधार, बचपन यौवन या कुछ भी ठीक नहीं लेना उधार, अपनी चीजों से करो प्यार, जो पास नहीं मत उसका अफसोस करो, कुछ होश करो, जो भी अपना हो
उसमें ही संतोष करो, जो भी अपना हो उसमें ही संतोष करो। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है दोस्तों आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों आज मैं जिस गीतकार को, कवि को आपके लिए लेकर आई हूँ, आप हैं किशोर कुमार कौशल जी। कौशल साहब स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत जी धन्यवाद। कौशल साहब, आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं गगनांचल में, काशी प्रतिमान में, आजकल में, साहित्य अमृत में, हरिगंधा, कादम्बिनी, नंदन, बाल भारती, बाल वाटिका जी, और बहुत सारे समाचार पत्रों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई। आपके संस्मरण, आलेख, समीक्षा, कविताएं, गजलें और बाल गीत भी आपके प्रकाशित होते रहे। पहले भी हमने बात की थी उसके बारे में जी। दूरदर्शन से प्रसारित हुए आपके बाल धारावाहिक नन्हे शतान के लिए गीत संवाद आपने लिखे हैं जी जी, और आपने अंधेरों के खिलाफ कवियों की लिखा है, आपने कवियों की शायरी लिखी है, हास्य कवियों की व्यंग बौछार आपने की है, और बचपन का एक समंदर काव्य संग्रह में आपकी रचनाएं प्रकाशित जी, इन संग्रहों में भी रचनाएं हैं जी। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, अपने इस सफर के बारे में बताएं। हाँ देखिए, मैं चूँकि दिल्ली में मेरा कार्यालय है जी, और दिल्ली केंद्र है बहुत सारे सांस्कृतिक
सामाजिक और साहित्य गतिविधियों का। आप STC में प्रबंधक राजभाषा के पद पर कार्यरत हैं, मतलब आप हिंदी की सेवा ऐसे भी कर रहे हैं। हिंदी की सेवा मैं कर रहा हूँ और मैं ये... और दाल रोटी भी जुट रही है और हिंदी सेवा से जी भी जी जुट जी रही है। बिल्कुल, क्या बात। तो क्योंकि केंद्र में हूँ मैं और वहाँ बहुत सारे ऐसी साहित्य गतिविधियाँ होती रहती हैं, मैं प्राय वहाँ शाम के समय सुनने के लिए लोगों को, बड़े बड़े साहित्यकारों को, अपने समकालीनों को, और इस तरह के विमोचन समारोह में, कवि गोष्ठियों में जाता रहता हूँ। तो संयोग से वहाँ मुझे बहुत लोगों का, भवानी प्रसाद मिश्र जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे वहाँ बहुत सारे लोगों को से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुझे ये लगा कि भाई जो सफ़र है हमारा उसमें जब तक थोड़ा बहुत घुमक्कड़ शामिल नहीं होती है हाँ, तब तक वो पूरी लेखन में न वो सौंदर्य आ पाता है न वो गहराई आ पाती है। क्योंकि मैंने जैसे निराला मेरे बहुत प्रिय रचनाकार हैं, प्रेमचंद हैं गद्य में, और इधर मैं राहुल सांकृत्यायन जी से बड़ा प्रभावित हूँ। तो अकेले उस आदमी ने उतना काम किया कि संस्थाएं नहीं कर पाती, घूमते रहे वो, देश विदेश घूमे, 20-25 भाषाएं उन्हें देश विदेश की आती थी राहुल सांकृत्यायन जी को। तो राहुल सांकृत्यायन जी की प्रेरणा से अब मैं सुमन जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए उज्जैन गया, तो उनसे फ़ोन पर बात कर ली थी, पत्र भी उनका आ गया था कि दशहरे पर आ सकते हैं, तो मैं 2001 में उनसे मिलने के लिए उज्जैन ही गया। अब वहाँ उनके निवास स्थान पर उनसे मिलकर जो मुझे सुख और आनंद प्राप्त हुआ, जिस तरह से उनसे बातचीत हुई, जिस आत्मीयता से, जिस स्नेह भाव से उन्होंने मुझे दुलराया और बातचीत की, तो वो मेरे लिए एक जीवन भर के लिए एक बहुत संस्मरण है, वो अनमोल खजाना है मेरे लिए, धरोहर है उनकी। तो इस तरह से फिर वो उत्साह बढ़ता गया। फिर दिल्ली में मैं विष्णु प्रभाकर जी से मिला, 2-3 बार उनके घर पर ही मिलने के लिए गया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। और मैंने एक बात महसूस की कि जितने भी ये पुराने रचनाकार हैं, ये पूरी तरह से साधना करते हुए अपने पथ पर, सृजन के पथ पर आगे बढ़े हैं। त्रिलोचन जी से मैं मिला दिल्ली में, जब दिल्ली से MA कर रहा था, तो बड़ी लंबी उनसे बातचीत हुई। अब मुझे नहीं पता था कि मैं इतने देश के इतने बड़े कवि से मैं मिल रहा हूँ सचमुच। तब क्योंकि पढ़ते समय हर युवा के मन में अपनी एक उमंगें होती है, अपना एक संसार होता है, अपना एक स्वप्न लोक होता है, तो उसके सामने हमें लगता है कि भाई ठीक है, ये यहाँ पर है, उपलब्ध है, इनसे मिल लेते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं तो एक हिंदी के बहुत बड़े कवि के साथ स्तंभ से मिला, जो हमारे प्रगतिशील रचनाकारों में बड़े कवि हैं, और उनसे भी 10 मिनट के लिए मैंने अनुरोध किया था और वो 1 घंटे तक उन्होंने समय दिया, और हम घास पे बैठ के बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते रहे। और मैंने अपनी वो गांव और शहर का अंतर उनको कविता सुनाई, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत उन्होंने प्रशंसा की। तो इस तरह से मुझे लगा कौशल साहब, आपकी, आप गांव शहर की बात कर रहे हैं, आपकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है पेट में कैंची, जी वो एक मेरी व्यंग रचना है, और आपने व्यंग पर बहुत सारा काम किया है। मैं गुजारिश करूंगी आप हास्य व्यंग की अपनी इस रचना को। जी मैं सुनाता हूँ, इसका शीर्षक है पेट में कैंची। जी स्वागत। तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने रोगी के पेट में छूट गई कैंची निकालने को, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने रोगी के पेट में छूट गई कैंची निकालने को, जब टांके खोलने चाहे तो रोगी ने आंखें खोली, और पूछा टांके क्यों काट रहे हैं, डॉक्टर ने कहा पेट में कैंची छूट गई है। वह खुशी से बोला यह तो अच्छा हुआ, आप कैंची को मेरे पेट में ही रहने दें, डॉक्टर बोला अजीब आदमी हो। तो उसने कहा अरे साहब, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, फिलहाल इस कैंची ने ही रोटी का फर्ज निभाया है। कैंची स्टील की है, पेट में गलेगी नहीं, एक जगह पड़ी रहेगी, अपने आप तो चलेगी नहीं। यह लोहे की कमी को पूरा करेगी, और हिलने डुलने से यदि यह चल भी गई तो मेरी आंतों पर चलेगी, मुझे भूख बहुत लगती है ना, जब आंतें ही नहीं रहेंगी तो भूख भी नहीं लगेगी, कौशल साहब जो आपने ये रचना सुनाई है, इसमें जो वो मरीज कह रहा है मेरे पेट में कैंची को रहने दो, बड़ा आपने करारा व्यंग किया है हमारे समाज की जो विसंगतियों पर जी। और लेकिन देखिए, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आया, गुजारिश करूंगी गुनगुना दी। जी जी। दिल नादान तुझे हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। Oh,
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों माधुरी हाजिर है एक बार फिर से आपकी महफिल में सृजन लेकर। और दोस्तों आपको मैं जिस गीतकार से मिलवा रही हूँ आप है किशोर कुमार कौशल जी। कौशल साहब स्टूडियो में आपको से बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। कौशल साहब आपको सम्मानित किया गया बहुत सारे सम्मानों से, जिसमें एक विशेष है साहित्यकार संसद बिहार से आपको सन 2003 में मिट्टी की पुकार आपकी पुस्तक के लिए नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया। जी मैं गुजारिश करूंगी एक तो आप इसके बारे में बताइए और साथ में ये भी कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। जी जी वो कौन खुश नसीब महिला उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों। देखिए माधुरी जी इसमें ऐसा है कि ये काव्य संग्रह की जहाँ तक बात है साहित्यकार संसद का एक छोटा सा कार्यालय फरीदाबाद में भी है। मैं उन दिनों मुंबई में तैनात था तो नाशाद औरंगाबादी साहब जो है उन्होंने संपर्क किया और मेरी पुस्तक के बारे में दोस्तों से हरिराम समीप जी से उन्हें मालूम हुआ, संग्रह उन तक पहुंचा और उन्होंने उस पर चर्चा की, विचार विमर्श किया और फिर उसे शायद इस योग्य समझा होगा कि भाई चलो इसको पुरस्कार वगैरह दिया जाए। तो इस तरह से तो यह सम्मान वाली बात रही। और उस वर्ष वह समारोह फरीदाबाद में ही आयोजित किया गया था। जी जी। तो संयोग से मैं उन दिनों छुट्टी आया हुआ था अपने गांव मुंबई से तो मैं उसमें शामिल हो पाया। तो एक वो बहुत अमर सहानी जी उसमें थे जी जी। और जय भगवान गुप्ता राकेश जी थे जी। उसमें हमारे यहाँ से एक कवित्री हैं राकेश जी, नमिता राकेश जी उसमें थी और कई लोग फरीदाबाद से थे उसमें। तो यह तो संग्रह की और सम्मान की बात रही और सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता ही है जी जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि काम काम के लिए करना चाहिए, सम्मान के लिए काम नहीं होना चाहिए। काम होगा तो सम्मान अपने आप होगा, नहीं होगा तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए जी जी। तो रही बात यह कि एक सफल पुरुष के पीछे नारी का हाथ आपने बताया तो मैं कहना चाहूँगा कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है तो उससे मैं भी अलग नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे विवाह से पूर्व मेरे एक मित्र ने कहा था कि भाई अब किशोर जी कविताएं लिखते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि शादी के बाद या तो इनकी कविताएं एकदम बंद हो जाएंगी या फिर ये बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। तो एक तरह से उनकी बाद वाली बात फलीभूत हुई। चलो, और अच्छा, शादी अच्छा के बाद हाँ हम लोग कुछ नसीब है जी। मेरा भी सौभाग्य है कि मेरी जीवन संगनी वो भी थोड़ा बहुत लिखती हैं। क्या बात, उनको शौक है, अच्छा पढ़ती हैं। हाँ कांता कुमारी नाम है उनका और उनकी एक दो बार कुछ चार चार पंक्तियाँ अपने फरीदाबाद वाले जागरण संस्करण में भी आई हैं। तो लिखती हैं, विचार करती हैं, हम चर्चा करते हैं बाकायदा और वो सहमति असहमति वाला मामला भी होता है। केवल हाँ हाँ करने वाली पत्नी मुझे पसंद नहीं है और वो इस तरह से हैं और अच्छा लगता है। हम असहमत भी होते हैं एक दूसरे से और उसका असहमति का अपना आनंद है। इस तरह गुजारिश करूंगी आपकी एक बड़ी ही खूबसूरत रचना है प्यार के दो पल जी, ये आप हमारे दोस्तों को दे जी। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा जी। प्यार के दो पल के आओ प्रिय बांध लें मुट्ठी में प्यार के मनुहार के दो पल। आओ प्रिय बांध लें मुट्ठी में प्यार के मनुहार के दो पल। बरसों से साथ साथ हाथों में डाले हाथ, सुबह शाम घूमने की बात सपने सी लगती है। क्या बात, बरसों से साथ साथ हाथों में डाले हाथ, सुबह शाम घूमने की बात सपने सी लगती है। जीवन भर करना है काम, जीवन भर करना है काम, एक दिन सुबह की ओस सा यह सफर होगा तमाम। क्या बात, एक दिन सुबह की ओस सा यह सफर होगा तमाम। इसलिए आओ प्रिय पल दो पल हो जाए मौज मस्ती। इसलिए आओ प्रिय पल दो पल हो जाए मौज मस्ती। हंसी ठट्ठा प्यार की मनुहार, बचपन सी हंसी की फुहार, मीठे सपनों की मधुर झंकार, गुनगुनाए फुर्सत के गीत। क्या बात, गुनगुनाए फुर्सत के गीत, बचपन के मीत संग बचपन की प्रीत, भूल जाए अगजग की बात, भूल जाए मृत्यु की ढलती सी रात, भूल जाए दुख के सब छंद, आए बस प्यार की सुगंध, जीवन की बगिया में हो बस वसंत, जीवन की बगिया में हो बस वसंत, पतझर का झरझर कर हो जाए अंत, पतझर का झरझर कर हो जाए अंत। क्या बात, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, रंग लाई है मेरे दिल की लगन आज की रात। दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज
आज की रात दो सितारों का जमीं पर है मिलन आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात किशोर कुमार कौशल जी जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय हमारे दोस्तों के लिए निकाला, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि धन्यवाद तो मुझे आपका भी करना चाहिए जी, शुक्रिया। कि आज के समय में कविता और संगीत विशेष तौर पर फिल्मी गीतों के साथ आप इसको जोड़ रहे हैं और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शायद कहीं नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, जी। और दोस्तों नरेंद्र जी कहते हैं बेहतरीन अल्फाज आपके, बेहतरीन बात कही, प्यार को बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित किया, थैंक्स फॉर सच अ नाइस सृजन प्रोग्राम, शुक्रिया बेहतरीन गानों और भजन के लिए, शुक्रिया नरेंद्र जी। संदीप जी कहते हैं नमस्कार जी, वेलकम बैक एट सृजन। ब्रायन ट्रेसी वंस सेड द काइंडनेस थिंग यू कैन डू फॉर द पीपल यू केयर अबाउट इट टू बी बिकम अ हैप्पी जॉयस पर्सन। सृजन स्टैंड फॉर दिस। ओह टाइम टू बाय एट 4 PM सृजन का टाइम कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। बाय टिल न्यू चैप्टर ऑफ सृजन डे नेक्स्ट वीक। हैव अ हैप्पी क्रिएटिव वीकेंड। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय द वे संदीप जी, आपको कैसे पता लगा अगले वीक के बारे में? तो संदीप कहते हैं दिल की आवाज़ से, दोस्त मैं ये मान गई कि आपने सृजन बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि मैंने बेशक कहा नहीं अगले प्रोग्राम के बारे में, लेकिन मैंने एक संकेत जरूर दिया था। और दोस्त ना कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे फिर भी ठीक है। दोस्त मैं तो कभी आपको फिर मिलेंगे भी नहीं कहती, क्योंकि मैं कभी आपसे जुदा नहीं होती, कभी अलविदा नहीं करती। कहती हूँ क्या आप लोगों से, कभी कभी नहीं भूलती आपको। SMS के रूप में आप लोग हमेशा मेरे पास होते हैं, पूरे हफ्ते इस तलाश में होती है कि जिन सेलिब्रिटीज़ को आप चाहते हैं उनसे आपको मिलवाना है। तो दोस्त कभी अलविदा ना कहना। देर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन फिनिश एंड कम्प्लीट। दोस्तों भारद्वाज जी हमारे सेलिब्रिटी हैं और सृजन में और झलकियों में हमने आपको उनसे मिलवाया है। वो कहते हैं कि माधुरी बेटे सृजन झलकियाँ ही चलने दो, सृजन से ज़्यादा अच्छी लगती हैं सृजन झलकियाँ। भारद्वाज साहब आप ठीक कहते हैं, हमेशा मूल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, अपने बच्चों से बच्चों के बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है झलकियाँ करना, सीधे सीधे आप लोगों से रूबरू होना, पर क्या करें जब तक मूल नहीं होगा सूद कहाँ से होगा। बच्चे होंगे तभी तो नाती पोते होंगे, सृजन होगा तभी तो उसकी झलकियाँ होंगी। घबराइए नहीं, सृजन के बाद झलकियों में फिर लेकर आऊँगी आपके लिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार। और दोस्तों क्या आपको भी इंतज़ार रहेगा सृजन झलकियों का, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन का, सृजन का रेडियो मानव रचना का? और आपको भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanorachna.org पर, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ दे पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का जमीं पर है मिलन आज की रात, आज की
तारों का जमीन पर है नीलम आज किया।